नमस्कार साथियों, आज आप देखेंगे कुछ विशेष क्लास। और ये विशेष क्लास है मिस्टर पवन पाल जी की। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और उन्होंने अलग से एक विशेष क्लास को ज्वाइन किया है, जिस कारण से उनको ये क्लास दिखाई जा रही है। तो पवन जी, आप देख पा रहे होंगे, है ना, जीरो लेवल बेसिक मैथ का ये पार्ट होगा सभी के लिए। अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो आप भी ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इनका अभ्यास एक है, वो अंकों और शब्दों में लिखने के लिए है। और पहले अभ्यास का नाम है बड़ी संख्याएं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ विस्तार से बता देते हैं, बड़ी संख्याएं छोटी संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद फिर हम किताब का अभ्यास का सवाल करवाएंगे। साथियों, इनमें अभ्यास में जो इनके क्वेश्चन पूछा गया है वो ये कहा गया है कि अंकों और शब्दों में लिखिए। ये अंकों और शब्दों में होता क्या है, जैसे इधर देखिए, संख्या है एक, नंबर ना, तो ये किस में है, ये अंकों में, इसे एक ही लिखेंगे डिजिट में। लेकिन इसे शब्दों में कैसे लिखेंगे, ए का एक, जो उच्चारण आप करते हो साउंड जो, वही। अगर संख्या दो है, इसे अंकों में आप दो ही लिखोगे, शब्दों में आप लिखोगे ऐसे दो, ठीक। इसी तरह से कोई भी संख्या, दस है मान लो, जैसे दो के बाद तीन होगी फिर दस होगी, तो दस को ऐसे लिखेंगे दस। यही होता है अंकों और शब्दों में। तो पवन जी, इसे आप तो पहाड़ा वगैरह से लिख लेंगे कि एक से सौ तक शब्दों में कैसे लिखते हैं, जैसे 11, 12, है ना, ये चीज़ तो आप लिख लोगे ना, ऐसे लिखा जाता है 11, 12, ठीक ना, 13, ये लिख लेना। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना, ये भी लिखवा देंगे हम आपको, ठीक ना, 100 तक। तो ये हुई बात अंकों और शब्दों की पहचान की, कि कैसे पहचानते हैं। इसके बाद आप और मतलब की बात समझ लो। मतलब की बात ये समझना है कि अब हम चलेंगे अभ्यास एक में। अभ्यास एक क्या कहता है, अभ्यास एक में कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनको अंकों और शब्दों में लिखना है। तो पहले आप देखना इधर ध्यान से क्या करना है, पहले इधर शब्दों में लिखना है। अभ्यास एक देखिए पवन जी, आपको दिख रहा होगा ना, वन, पहला क्वेश्चन है शब्दों में लिखिए, शब्दों में लिखिए, जिसमें का नंबर सवाल है, जो उसमें दिया गया है 12, 67, 981, ठीक ना। तो जो हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको वैसे ही शब्दों में लिखेंगे, तो कैसे करोगे इसका उत्तर, ऐसे लिख दोगे शब्दों में 12, फिर कामा लगा के 67, ठीक, और फिर 981। तो ये उम्मीद करते हैं आप अंकों शब्दों में तो लिख लोगे, है ना, लिख लोगे ना, इस तरह से जो भी दिए गए हैं सब को आप लिख लोगे, इसमें शायद कोई मुश्किल नहीं है, है ना, बहुत आसान है। तो आगे देखिए, आगे क्या करना है, आगे इसमें एक सबसे बड़ी बात है, घा वाला क्वेश्चन आप देखिए मिस्टर पवन जी, आप और सब तो कर लेंगे। घा वाले में जो क्वेश्चन है वैसे है, 5 है, 04 है, 32 है और ये 008 है। इसको ध्यान से देखिए, किसी भी संख्या के पहले कितना भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या वही होती है जो लिखी होती है। तो इसे आप 8 ही लिखोगे, इसे 4 लिखोगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसे आप शब्दों में ऐसे लिख दोगे, ये 5, इसे लिखोगे 4, कामा लगा लेना, इसे लिखोगे 32, ठीक, और इसे लिखोगे 8, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, आगे जीरो लगने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। दूसरा सवाल है अंकों में लिखिए। तो अंकों में कैसे लिखोगे, ध्यान देना, अंकों में लिखने का मतलब क्या है समझना। जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना, अंकों में लिखने का पहले मतलब समझ लो। अंकों में मतलब डिजिट में लिखो। जैसे अगर ये लिखा गया है 12, तो इसे अंकों में कैसे लिखोगे, ये 1 और 2, 12, ये लिखा गया 67, 6 और 7, 67, 981, तो 981, ये हो गया क्या, अंकों में हो गया, है ना, कितना आसान। चलिए अब आपके बुक का सवाल करवा देते हैं। आपके बुक में लिखा है 14,15,709, क्या लिखा है, 14,15,709 क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ध्यान देना। तो
अपने बुक में देखो क्या लिखा है, 14,15,709, इसको अंकों में लिखना है, 14,15,709, बुक में देखो ध्यान से। तो 14 लाख बोल रहा है 14 लिख दो, 15,000 बोल रहा है 15 लिख दिया, फिर 709 बोल रहा है तो 709 लिख दिया, बस हो गया। गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 14 लाख, 15,709। लेकिन सभी में ऐसे सीधा सीधा नहीं लिखा जाता है, कुछ होते हैं जिनमें गलत हो जाता है ना। तो अभी तो ये सीधा सीधा आसान है तो मैं लिख दे रहा हूँ। ये आपका हो गया का नंबर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरा का का, खा वाले में देख लो। कह रहा 5,64,03,042, 5,64,00,000, फिर क्या कह रहा है, 3,042। देखो ये गलत होगा, क्यों गलत होगा ध्यान से समझना। इसका जो शब्दों में है वो कुछ ऐसे है, 5 करोड़, लिखो जल्दी से, 5 करोड़, और क्या कह रहा है, 64,03,042, ध्यान देना, 64,03,042। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसको गिनो क्या एक करोड़ तक जा रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये तो 5,64,342 लिखा है, लेकिन ये 5 करोड़ बोल रहा है। तो करोड़ कब होता है पता है आपको, ध्यान से देखो करोड़ तक कब पहुंचता है। जैसे मैंने गिनती लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक अगर गिनती है तो ये करोड़ तक पहुँच सकती है। कैसे, देखो इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, यानी करोड़ तक पहुंचने के लिए 8 गिनती होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 8। देखो टोटल मैंने 9 लिखा था लेकिन एक बच जा रही, मतलब करोड़ तक के लिए 8 गिनती होनी चाहिए, और हमारे पास यहाँ पर केवल 6 गिनती लिखी है, इसका मतलब 2 गिनती कम है। 2 गिनती कैसे बढ़ाओगे, इसमें अब 2 गिनती कहीं से लिख तो नहीं सकते हो कि ला के लिख दो अलग से। चूँकि कह रहा था 5 करोड़, तो हमने 5 लिख दिया, 64 लाख बोल रहा था 64 लिख दिया, 3,042 बोल रहा था तो 3,042 लिख दिया, लेकिन ये 342 लिखा है, ध्यान दो, 3,042 बोला था ना, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लो। देखो अब ये 3,042 हो गया। नहीं समझ में आएगा बताना पवन जी फिर से आप, ठीक ना, हाँ आप ही के लिए विशेष है ये। तो ये 3,042 हो गया, लेकिन इतना तो सही हो गया लास्ट वाला, ये 3,042 हो गया, सही हो गया, लेकिन अभी शुरू वाला गड़बड़ है। 5 करोड़ तक कहाँ जाएगा क्या, ये देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख ना, अगर एक गिनती और होती तो करोड़ आ जाता। देखो यहाँ तक 10 लाख हो रहा है, फिर करोड़ आ जाता ना, एक गिनती कम है ना, यानी यहाँ भी एक क्या होगा, जीरो होगा। आप देखो सही हो गया, लेकिन ये चीज़ आपको समझना है, जीरो कहाँ कहाँ बढ़ेगा। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 5 करोड़, 64 लाख, 3,042, बात समझ में आई ना। तो ये गिनती बनाने के लिए यूज होता है। सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जीरो कहाँ कहाँ बढ़ाएंगे। जैसे देखो अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा आप व्हाट्सएप पे फिर से मैसेज करना, ठीक ना। देखिए अगर मैंने आपको कहा कि आप लिखो 7,518, क्या कहा मैंने, आप लिखो 7,518, बड़ा हो जाएगा, नहीं आप एक काम करो, मैंने आपको कहा कि आप यही लिखो 7,005, ठीक। अब मैंने आपको 7,005 लिखने को कहा, सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हजार में कुल कितने अंक होंगे, हजार में कितने अंक होंगे भाई, 1,000 आपने देखा है ना, 1,000, ये हजार में टोटल 4 डिजिट होते हैं, कितने, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट होते हैं ना, तो 7,005, वैसे देखा जाए तो केवल 1 7 मिल रहा है, 1 5 मिल रहा है, केवल 2 ही गिनती है हमारे पास, और कुछ है क्या, नहीं है ना। लेकिन अगर इनको दोनों को लिख देंगे तो ये तो 75 बन गया, इकट्ठा कर देंगे तो ये 7,005 कैसे बनेगा, बोलो कैसे बनेगा, 7,005 बोला था ना, तो मैंने आपको बताया कि हजार के लिए 4 अंक कम से कम होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, हजार के लिए ना 4 अंक होने चाहिए, 10,000 के लिए 5 अंक होने चाहिए, 1 लाख के लिए 6 अंक होने चाहिए, 5 जीरो और 1, ये 1 लाख हो गया। तो
हजार के लिए चाहिए था कितना, चार अंक चाहिए था ना, दो अंक हमारे पास है, दो कम है ना, तो बीच में दो जीरो बढ़ा लेते हैं, ये देखो हो गया 7005। क्या हो गई ये 7005, बात समझ में आई। देखिए ये मत सोचना कि एक दिन में दो ही सवाल या तीन ही सवाल क्यों बता रहे हैं, एक ही दिन में सब बता दें, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, आपको बातें समझ में आनी चाहिए। अगर मैं आपको केवल किताब का सवाल एक एक लगवाऊंगा ना तो मिस्टर आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए आप ये बिल्कुल टेंशन मत लेना कि आपके दो ही सवाल हुए एक ही हुए, नहीं तो अगर आप चाहो ना तो हम एक ही दिन में आपका एक एक अभ्यास ख़त्म कर देंगे, लेकिन फिर समझ पाओगे कि ऊपर से उड़ जाएगा, ये आपकी जिम्मेदारी होगी फिर, ठीक ना मिस्टर। तो देखिए आगे समझिए, पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर किताब का सवाल आप खुद कर लोगे, हमें नहीं लगवाना पड़ेगा। मेरी यही उद्देश्य होती है कि आप खुद से करो बुक का क्वेश्चन, फिर से समझ लो। जैसे अगर आपको कहा जाए कि आप लिखो 572, क्या लिखो 572, अगर यहाँ पे आप देखो तो 5 है और 72 है, तीन अंक है ना भाई, तीन ही डिजिट तो है, 1 2 3, लेकिन लाख में मैंने आपको बताया था अभी 6 अंक होने चाहिए तभी लाख बनेगा। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 6 अंक होने चाहिए ना, कितने होने चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6, तब लाख बनता है। कैसे, फिर गिन लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 6 गिनती कम से कम होनी चाहिए, तो तीन ही तो है, सिंपल सी बात है, बोल रहा 572, तो यार 5 यहाँ शुरू में लिख दो और 72 लास्ट वाले दोनों जीरो की जगह पे लिख दो, बीच में जितने जीरो हैं इनको इसी में ऐसे सटा दो, ये हो गया। अब ये क्या बन गया, 572, बात समझ में आई ना। अगर बोले 5 करोड़ 72 तो क्या करोगे, करोड़ में पहले देखो कितनी गिनती होती है, ये देखो लाख तक है ना, 10 लाख करोड़, करोड़ में 8 गिनती होती है। अगर 5 करोड़ 72 बोलेगा तो 5 इसके नीचे लिखना, 72 नीचे लिखना, बाकी जितने बच रहे हैं ये सारे जीरो को छेड़ दो बीच में, 5 0 हो गया, ये 5 करोड़ 72 हो गया, तो ऐसे समझना, ठीक ना। अगर मैं आपको बोलूं कि आप लिखो 3018, क्या बोला मैंने, 3018, मिस्टर ध्यान से समझना, अंकों शब्दों वाले सारे सवाल मैं नहीं लगवाऊंगा, आप खुद से लगा लेना, ठीक ना। 3018 अगर मैंने बोला तो क्या करोगे, 3018 ना, ध्यान दो, 3018 ये टा रहेगा, आधा टा 18, ठीक है। अगर कोई मुसीबत है तो ऐसे लिख लो, ये लो मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ, 18, कई तरह से लिखा जाता है, आधा ठा पूरा ठा इसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो 3018, इसमें तो तीन अंक है, लेकिन हमने बताया था कि हजार जब हम लिखते हैं तो उसमें कुल 4 अंक होते हैं, 1 2 3 4, तो 4 अंक इसमें बनाने के लिए बीच में जीरो लिख देते हैं, 3018 हो गया। इस तरह से आप जितने भी अंकों शब्दों वाले उनको कर लेना, ठीक ना। 25 करोड़ 90 हज़ार 537, इसको भी ऐसे बना लो, 25 करोड़ देखो 90 हज़ार 537, ये आपके बुक का सवाल है, दूसरा का इंगा वाला है ना पवन जी, आप समझ पा रहे हो ना, मैं आप ही का नाम बोल रहा हूँ अकेले। 5 करोड़ 90 हज़ार 537 है, तो ठीक है, देखो क्या ये करोड़ तक पहुँच रहा है जो मैंने लिखा, 5 करोड़ 90 लाख 530 बोला था मैंने, लिख दिया, लेकिन सही है गलत इसको चेक करो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, ये तो 25 लाख बन रहा है, 5 करोड़ कहाँ बन रहा है, क्या बोला था, 25 करोड़, आपकी बुक में जो लिखा है ना भाई वो 32 करोड़ लिखा है, तो 32 लिख लो जिससे आपके बुक से मिलने लगे, 32 करोड़ 90 लाख 530, ठीक है। लेकिन ये 32 करोड़ तक नहीं जा रहा है गिनने पर आपका, कि जा रहा है, नहीं जा रहा ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, केवल 10 लाख तक हो रहा है। मैंने आपको बताया था करोड़ के लिए कितनी गिनती होनी चाहिए, यहाँ ध्यान से देखो ऊपर, ये देखो चलो गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, करोड़, करोड़, करोड़ अगर आया इसका मतलब एक ही अंक बोल सकते हैं हम, 1 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ 9 करोड़, लेकिन 10 करोड़ नहीं बोल सकते, उसके लिए एक गिनती और आगे बढ़ेगी, ठीक ना। देखो करोड़ हो गया, फिर 10 करोड़, जब 10 करोड़ बोलते हैं तब आप दो अंकों को मिला के करोड़ बोल सकते हो, जैसे 12 करोड़ 18 करोड़ 17 करोड़, तो यानी इस तरह से अगर दो अंक में आपको करोड़ बोलने हैं तो कुल कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6
देखो, 3 हो गया, 3, 6, 7, 8, 9, यानी अगर 10 करोड़ में पहुंचना है तो कम से कम 9 अंक होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 9 अंक होने चाहिए, तब 10 करोड़ में संख्या पहुंचेगी। अगर 8 अंक हुए तो करोड़ में ही रहेगी, अगर 7 अंक हुए तो 10 लाख में ही रहेगी, 6 अंक हुए तो केवल लाख में ही रहेगी। अगर 10 करोड़ पहुंचना है तो 9 संख्या कम से कम होनी चाहिए। तो 9 संख्या कैसे बनाओगे? ये टोटल दिया कितना है? 7 संख्या दी है, 2 संख्या कम है ना। देखो 2 जीरो कहाँ बढ़ेंगे, ध्यान देना। कह रहा था 32 करोड़ 90 लाख। देखो यार, सिंपल सी बात है, 32 करोड़ बोल रहा है तो 32 के बीच में तो 0 बढ़ाओगे नहीं, नहीं तो 302 हो जाएगा, है ना। तो 32 करोड़ मतलब 3 इसके बाद में लग जाएगा, ठीक। और क्या कह रहा था, 90,530। एक बात और ध्यान से समझो, 530 है इसके बीच में, अगर 0 बढ़ाओगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर 530 रह नहीं जाएगा। हाँ, अगर आप लास्ट में 0 बढ़ा लोगे तब भी ये 53,00 हो जाएगा, 530 नहीं रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ 0 नहीं बढ़ा सकते हो, है ना। बच कहाँ रहा, यहीं पे बढ़ा सकते हो, बस हो गया। आप इसे छोटा छोटा पार्ट में समझ लो एक बार, थोड़ा सा अब गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 बोला ना, जब 10 बोला तो 2 अंक मिला के बोलोगे हमेशा। 10 करोड़ अगर बोलेंगे तो आप इसको ऐसे नहीं बोलोगे 3 करोड़, ना। 10 करोड़, 10 लाख, 10 हजार, जहां भी 10 आएगा उसके बगल वाला गिनती आप जरूर पकड़ लोगे, मतलब 32 मिला के बोलोगे, ठीक ना। अगर 10 लाख बोलना है तब क्या करोगे? तब भी आप क्या करोगे? 2 अंक मिला के बोलोगे, अकेले नहीं बोलोगे कभी। ऐसे नहीं लिखोगे 3 करोड़, अगर इस पे 10 हो रहा है तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ हो रहा है, 10 करोड़ मतलब 32 करोड़। ये नहीं जरूरी कि 32 ही है, इसकी जगह कुछ भी होता। अगर मान लो इसकी जगह मान लो 18 होता तो क्या करते? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, फिर 10 आया ना, 10 हमेशा आएगा, चूंकि ये सामान्य सी बात है, गिनते हैं। तो जब 10 करोड़ आया तो आप 18 करोड़ बोलोगे, मतलब जो भी उस पे रहेगा 2 अंक मिला के बोलोगे, ठीक ना। अगर यहाँ पर जैसे मान लो 18 ना होता, मान लो इस पे 46 होता, तो आप क्या बोलते हैं? 46 करोड़, मतलब 2 डिजिट मिला के बोलोगे। अगर 10 आ गया कहीं भी पीछे, समझो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार लाख, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? फिर से समझो, अभी अभी सही हो रहा गलत हो रहा इससे नहीं मतलब, अभी समझो। 90 लाख बोल रहा था ना, क्या बोल रहा था? 90,530। देखो क्या ये सही हो रहा है क्या, 90 लाख वाला? अभी एक है जीरो बढ़ाने से काम चल गया क्या? नहीं, पूरा गिनने दो, ध्यान से देखो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार लाख, ये तो केवल 9 लाख बन रहा है यार, 90 लाख बनाना है इसको। लाख, 10 लाख तो यहाँ आके हो रहा है, कहाँ हो रहा है? यहाँ पे आके हो रहा है 10 लाख ना, तो क्या ये 90 लाख है? सोच के बताओ, क्या ये 90 लाख लिखा है? नहीं लिखा है। आप इधर का जीरो मिला के 90 नहीं बोलोगे, नहीं, इधर का जीरो मिला के नहीं बोलोगे कि 09 को आप 90 लाख बोल दोगे। इसके बीच में एक जीरो और बढ़ने चाहिए, कितना बढ़ने चाहिए? 10 लाख अगर होना है तो 7 गिनती होनी चाहिए कम से कम। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 गिनती हो गई कि नहीं? हो गई ना, यानी कि अब क्या हो गया ये? अब ये हो गया 90 लाख। इतना देखो केवल, बस इतना, 90,530, ठीक। लेकिन उसके पहले क्या बोला था यार? 32 करोड़, 32 करोड़ बोला था ना। हमें लग रहा है कि अब ये इसके बीच में जीरो नहीं होगा, ध्यान से फिर से समझो। यहाँ लाख, 10 लाख हो गया, करोड़, 10 करोड़, ये वो वाला मिस्टेक था, उसके लिए सॉरी। देखो ये यहाँ जीरो जो है दोनों इसके बीच में ही बढ़ेगा, यही इतना बनेगा, ठीक ना। 32,900, ओ सॉरी, 3 बार 0, फिर 530, ये सही है। फिर से गिन लो, एक एक गिनते जाओ छोटा छोटा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़। क्या हो गया अब ये? 32 करोड़ हो गया ना, 32 करोड़। और हाँ, इतना ही नहीं, 32 को छोड़ दो, पीछे वाला भी सही मैच होना चाहिए। 90 लाख बोला था ना, 90 लाख मिला लो, सही है कि नहीं? 32 हटा दो, 90 लाख देखो सही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार लाख, 10 लाख, देखो 10 आ रहा है ना, 10 आ रहा, मतलब 2 गिनती मिला के बोलोगे 90 लाख, आप सही हुआ। तो ये था इसका फंडा जो आप समझ गए हो। अब इसके बाद अगला आप देखोगे अगली क्लास में, ठीक है ना मिस्टर? तीसरा क्वेश्चन से आप अगली क्लास में देखोगे, जिसमें आपको भारतीय संख्या प्रणाली और विदेशी प्रणाली यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम सिखाया जाएगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताना,
और अगर ये क्लास किसी को डेमो के रूप में मिल रही है, वैसे तो इसको पवन जी ने ज्वाइन किया है तो सिर्फ वही देखेंगे, लेकिन अगर आपको ये डेमो के रूप में मिल रही तो आप इसे दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दो लोगों को दिखाएं। आप भी चाहते हैं अगर विशेष आपकी क्लास मिले आपको तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन लिख करके भेजें, ज्वाइन स्पेशल क्लास, और आप कर सकते हैं। जय हिंद, मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और देखते रहें PVR स्टडी।